आखिर अपन खारदुंगला पहुंच ही गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। आज हम निकल चुके हैं अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए जो कि है नुब्रा वैली। खारदुंगला होते हुए पहले हम खारदुंगला पे रुकेंगे, उसके बाद नुब्रा वैली जाएंगे। अगर देखेंगे आगे समय का सही रहा तो फिर हम क्या नाम है हंडर रुकेंगे आज। तो क्या एक्चुअली हमारा कल का प्लान है कि तुरतुक जाने का, तो नुब्रा वैली से तुरतुक पड़ता है लगभग 160 किलोमीटर और नुब्रा वैली से हंडर पड़ता है 80 किलोमीटर। तो हमने सोचा खामा का अगर टाइम बचता है तो हंडर ही रुकें, वही सही है क्योंकि कल का जो टाइम है वो कल हमें निकलना है पेंगोंग के लिए, तो तुरतुक होके पेंगोंग निकलेंगे हम, तो समय बच जाएगा, उससे ये बढ़िया रहेगा। बाकी ये देखिए कैसा रहता है आज का प्लान बनाना हमारे हाथ में, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना उस हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि रोड कंडीशन कैसी है, आगे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, कहीं रोक ना दें, कई चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए कितना सुंदर व्यू है और हम निकल चुके हैं अपने, वैसे निकलना 6 बजे था लेकिन लेट हो गए, क्या करें, बस ऐसी ही है। राइडर का ज़िंदगी ऐसी है कि मतलब टाइम पे कभी कुछ हो ही नहीं पाता, सामान पैक करना है, फिर लगेज बांधना है, घंटा डेढ़ घंटा तो इसी में निकल जाता है। बाकी का मौसम बहुत साफ है, भोलेनाथ की कृपा है, और सामने पहाड़ों पे हल्की हल्की सी बर्फ़ दिखाई दे रही है, बहुत चिन्नी मिन्नी सी। बाकी ये देखिए खारदुंगला पे कितनी बर्फ़ मिलती है वो तो वहीं जाके पता लगेगा, यहाँ का तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ यूनियन वाले खड़े थे और एक पुलिस वाला भी था, तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे थोड़ा पंगा रहता है। पंगा ये रहता है कि पहले सामने का व्यू देखिए कितना मस्त है। रहता है कि ये लोग है ना मनाली की गाड़ियों को अलाउ नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा इनका अपना पंगा रहता है यूनियन का कि मनाली वाले ले की गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे और ले वाले मनाली की गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे। तो जब कभी भी आएँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मनाली से गाड़ी लेके आ रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे ऊपर कहीं भी खारदुंगला पेंगोंग नुब्रा जाने के लिए। दूसरा, जब भी आप अपना पर्सनल व्हीकल लाएँ तो वो व्हीकल आपके नाम पे या आपके भाई के नाम पे या आपके फादर के नाम पे होना चाहिए। बेसिकली अगर आपके नाम पे हो तो ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप कह देंगे ये मेरे फ्रेंड के नाम पे है या क्या नाम है मेरे रिलेटिव के नाम पे है तो ये उस चीज़ को अलाउड नहीं करेंगे। फिर ये कहते हैं कि मतलब ये उस चीज़ को मानते हैं कि आपने बाइक रेंट करी है। जब भी आप आएँ तो बेसिकली मोस्टली आप जो बाइक है वो आपके नाम पे ही होनी चाहिए, वही आपके लिए सबसे बेटर और सेफ ऑप्शन रहेगा। अब देखिए कितना चलती है बाकी का नुब्रा में और हंडर में, शायद हंडर में या नुब्रा में दोनों कहीं है ना, पेट्रोल पंप तो है तो वहाँ पेट भर लेंगे, फिर वहाँ से एक जेरी कैन भी लेना है एक्चुअली, फिर अपने को पेंगोंग हनले, फिर वहाँ से पांग निकलना है तो शायद इतनी चल पाए उस कंडीशन में नहीं चल पाए, एक जेरिकन ले लेंगे और एक थोड़ा तेल भरवा लेंगे क्योंकि उसके आगे अपने को पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और वहाँ जो पेट्रोल वाले होते हैं ना उनका जो पेट्रोल होता है वो सही नहीं होता है, वो एक्चुअली उसमें है ना मिट्टी का तेल मिक्स करके रखते हैं। इसलिए है ना अपना पेट्रोल साथ लेके चले ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आगे राइडर भाई निकल के गए कितनी तेज जा रहे हैं, लेकिन अब भाई अपने को आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। जब भी आप इन रास्तों पे जाते हैं ये किनारे पे मिट्टी देख रहे हैं, ये एक्चुअली मिट्टी नहीं है, ये एक बजरी टाइप है, इस पे हमेशा है ना संभल के चलिए, बिल्कुल स्लो चलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी तेज हुए तो आपकी बाइक यहाँ स्किड कर सकती है और आप लोग को चोट वगैरह लग सकती है। सामने का नज़ारा देखिए, शायद धूप की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो में, बाकी का सामने देखिए क्या नज़ारा है, बिल्कुल ड्राई एरिया, इसलिए लद्दाख को ड्राई एरिया कहा जाता है कि कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सूखे पहाड़, रेतीले पहाड़।
अभी पीछे एक बोर्ड पे लगा था कि फास्ट ड्राइव कुड बी योर लास्ट ड्राइव। तो भाई लोगों, फास्ट ड्राइव नहीं करनी, स्लो ड्राइव ही करनी है, क्योंकि हमें अपनी लास्ट ड्राइव नहीं करवानी है। अभी आपको एक बढ़िया सा नज़ारा दिखा, एकदम पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई और वो नीचे लेह सिटी। जब भी आप है ना नुब्रा के लिए जाते हैं तो खारदुंगला से पहले एक जगह पड़ती है साउथ पुल्लू, और खारदुंगला के बाद पड़ती है नॉर्थ पुल्लू। तो साउथ पुल्लू, मतलब नॉर्थ पुल्लू और साउथ पुल्लू दोनों जगह आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपके परमिट चेक होते हैं, और सारा वेरिफिकेशन होने के बाद तब आपको ये यहाँ से आगे जाने देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ निकली तो ये आपको आगे नहीं जाने देंगे, वापस ले भेज देंगे। तो इसलिए सही रहेगा कि आप हमेशा डॉक्यूमेंट अपने पूरे करके चलें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी ये आता है आपका साउथ पुल्लू, जो आपको सामने दिख रहा है ये है साउथ पुल्लू, यहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। अभी आप लेह आए ना, लेह लद्दाख आए, तो झूले उनको बोलिए झूले। झूले का मतलब होता है लद्दाखी में हेलो। तो ये एक्चुअली क्या है, आप झूले बोलेंगे ना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको लगता है कोई अपना बोल रहा है, और वो भी आपको उतने अच्छे तरीके से आपको ग्रीट करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आपको वेलकम करेंगे। तो जब भी आप लेह लद्दाख में आए और कोई आपको दिखे तो उसको बोलिए झूले, हंसते हुए बोलिए झूले, तो आपके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो इससे क्या है, एक अच्छा सा मतलब मैसेज जाता है कन्वे, एक अच्छा सा मैसेज सामने वाले को पास होता है। रहो एकदम टॉप पे निशान बना हुआ है रोड का थोड़ा सा, तो देखिए अगर आपको दिख रहा हो ऊपर एकदम, तो मैं वहाँ जाना है बिल्कुल, और वहाँ से उस पहाड़ी के पीछे आ जाता है खारदुंगला। सो बर्फ का तो लग नहीं रहा कि बर्फ है, बाकी का चलिए देखते हैं कितनी बर्फ मिलेगी इस बार खारदुंगला पे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. और बस अब पहुंच ही गए थोड़ी देर में खारदुंगला, और आपको दिखाते हैं हम खारदुंगला। ओके, वो स्किट कर गई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ब्लैक आइस है ना ये। नहीं, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक आइस है ना इस वजह स्किट कर गई। बिल्कुल। नुब्रा ओके, थैंक यू जी। तो भाई लोगों, सेफ है हम, टुच्चा सा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट कर तो बाइक स्लिप हो गई, एक्चुअली वो ब्लैक आइस है, मैंने ध्यान नहीं दिया बातों में, नज़ारों में, यही गलती है जो ज़्यादातर सभी करते हैं। बाकी ऐसी गलती मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ख़ासकर ब्लैक आइस का। देखिए अपनी जो बाइक के टायर है ना, वो हाईवे टेरेन टायर्स हैं, तो वो इन रोडों पे सक्सेस, मतलब ब्लैक, देखिए रोड पे सक्सेस है, यहाँ पे खारदुंगला पे सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ ब्लैक आइस आ जाती है ना, वहाँ सक्सेस नहीं है।
तो थोड़ा सावधानी से और आराम से चलिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। ये सब होता रहता है, देखिए ये सब राइडिंग का एक्सपीरियंस है, ये सब होता रहता है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over. ये सामने आपको खारदुंगला ही दिखाई दे रहा है। बस ये आ गए अपन खारदुंगला। टर्न करते ही आपको मिलेगा खारदुंगला। वेलकम टू खारदुंगला। खारदुंगला में आप सबका स्वागत है। भीड़ कम है, फोटोग्राफी अच्छे से होगी। और बर्फ भी कम है, बर्फ तो है ही नहीं। खारदुंगला पे स्वागत है। ये है खारदुंगला, हाइट 17,982 फीट। वेलकम यू टू द टॉप, वी आर ओ वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। खारदुंगला एल्टीट्यूड 17,982 फीट, वी डिड इट। ये है आपका खारदुंगला टॉप। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बर्फ काफी हद तक खत्म हो चुकी है। यहाँ आपको आके हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट भी मिल सकता है। खारदुंगला गोम्पा, और यहाँ आपको हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट मिल सकता है। यहाँ आप थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। आखिर अपन खारदुंगला पहुँच ही गए, और बस एक ऊँचा मुच्चा सा एक्सीडेंट हुआ, बाकी कुछ नहीं। बाइक स्लिप हुई थी, बाकी यह बढ़िया है। और अभी सब ठीक है, निकलते हैं यहाँ से नुब्रा वैली के लिए, और पहुँचते हैं नुब्रा वैली। यहाँ पे थोड़ी मैगी खाई है तो शरीर को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि एक्चुअली आप ज़्यादा हाइट पे हैं तो थोड़ा पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो माउंटेन सिकनेस हो सकती है। अब चलते हैं यहाँ से खारदुंगला को टाटा बाय बाय बोलते हुए, और फिर मिलेंगे अगली साल, या इस साल दोबारा चक्कर लगा तो फिर देखेंगे, नहीं तो अगली साल तो पक्का है ही। बाकी चलते हैं अब नुब्रा की तरफ, और चलिए चलते हैं।